ओ भाई क्या लोकेशन है, पतला लग रहा हूँ। करके अभी नीचे जाएंगे, वो रही हमारी मंजिल वहाँ छपरी। यहाँ पर फिर से बारिश शुरू हो चुकी है, हमारे दो दोस्त बहुत छोटे हैं, वो अगर 1 फीट ऊपर उड़ के गया होगा, 1 किलोमीटर उड़ के आया था मैं। कि हमें रास्ते में एक और टेंपल हमें दिखाई दिया, वो भी अपोजिट जहां पे हम गए थे उसके अपोजिट पहाड़ पे सामने की तरफ वो टेंपल था, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम उसे भी कवर कर लें, वहां पर भी जाकर देखें कि वो जगह कैसी है, और वो लोकेशन भी काफी खूबसूरत लग रही थी, तो हमने कहा कि जब हम इतना आ ही चुके हैं तो क्यों ना हम थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर लें। क्या है शिव मंदिर पे, बहुत ही प्यारी जगह थी आपको वीडियो में, और अभी हम दूसरे मंदिर पे जा रहे हैं ऊपर। हाँ वो रहा अपना कॉलेज, बढ़िया है। सही हो जरा एक बार, अबे भाई देखा तुम बाद में, एक बार दिखा दे बस, फिर मैं तेरे को एक बार लेने। शानदार ट्रैक करके आ रहे हैं और अभी हम वापस आ रहे हैं, तो हमने ये एक छोटा सा रिस्क लिया है, ये हमें रास्ता पता नहीं है, पर लेकिन हम इधर से वापस लौटने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं कि क्या हम सही रास्ते पे हैं या नहीं है। एक बार आप इस जगह की खूबसूरती देखो, खूबसूरती ऐसी खूबसूरती जो आपको शहरों में कहीं देखने को नहीं मिलेगी, ऐसी खूबसूरती जो आपको यहीं रहने पे मजबूर कर दे। वाओ, और आखिरकार हम एक ऐसी जगह पे पहुंच चुके हैं जहां से पूरा देहरादून दिख रहा है फिर से, और वो रहा हमारा कॉलेज बीच में एक जगह पे, शायद हम मैं आपको इस राह पे हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, और वो ऊपर हम मंदिर पे थे और अभी हम वहाँ मंदिर से नीचे उतरे हैं। अभी एक बहुत ही अच्छा मोमेंट, कैप्चर हुआ है बुजुर्ग आदमी अपने बकरियां खो जाने पर, अब अपनी बकरियां खो जाने पर अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं बैठ के। देखो ये रास्ते जैसा नहीं है, पर फिर भी हम पहाड़ उतर के अभी नीचे जाएंगे, वो रही हमारी मंजिल वहां। ये देखो हमारे साथ के कुछ ट्रैकर अभी आ रहे हैं बेचारे। अरे यार ये दोनों पता नहीं कहाँ रुक जाते हैं रास्ते में। छपरी धीरे धीरे बारिश भी शुरू हो गई और काफी तेज तूफान सा भी चलने लगा, और हमारे साथ में जो दो दोस्त थे हमारे, वो पीछे थोड़ा पीछे रह गए थे, और हम तो सही रास्ते में आ गए पर वो पता चला कि वो दूसरे रास्ते में ही चले गए, और जाते जाते वो काफी आगे गलत रास्ते में चले गए थे। फिर यहाँ पर फिर से बारिश शुरू हो चुकी है, हमारे दो दोस्त भटक चुके हैं, वो गलत रास्ते पे जा चुके हैं उधर सामने, उन्होंने झेल लिया था। अभी जब उन्हें आगे रास्ता नहीं दिखा था वो वापसी मुड़े हैं, और अभी भी वापस दिख नहीं रहे हैं, मुझे लग रहा है वो रहा ट्रैकर गाइड।
गाइड ट्रैकर हम वहां पे काफी देर उनका वेट करते रहे, फिर हमें वो सामने से नीचे आते हुए दिखाई दिए, फिर हमने उन्हें हाथ हिलाया और उन्हें बुलाया कि इस तरफ को आओ, फिर वो वहां से नीचे को आए और फाइनली वो हमारे साथ ज्वाइन हुए। फिर बारिश वारिश काफी तेज शुरू हो गई थी। हाँ हाँ क्या वही तो चल रहा, वही तो ले गया उसको उधर रास्ते कहीं नहीं तो निकलता ही वो रहे ऊपर, इसे पकड़ ले उड़ ना जाएगा, ये भटक के जा चुके थे ये दूसरी जगह, अभी उड़ चुके थे हवा के झोंके से, हवा बहुत तेज है, बारिश हो रही है। मुझे तो ये लगता है कि जसपाल ने पूरी बात नहीं बताई, तू कम से कम 1 फीट ऊपर उड़ के गया होगा। 1 किलोमीटर उड़ गया था मैं। 1 किलोमीटर ज्यादा बोल दिया तूने। 1 फीट मतलब खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया। रुको जरा सबर करो, उस जगह की तारीफ जितनी भी की जाए वो कम ही कम है, मैं उनको शब्दों में बयान नहीं कर सकता आपको कि वो जगह कितनी खूबसूरत है। अगर आप पे बस इस खूबसूरत वीडियो को खत्म करना चाहूंगा, होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप भी अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी थोड़ा और मोटिवेशन मिलेगा वीडियोज बनाने का।